नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बात नहीं मानने पर बाजीमो महामंत्री ने मंडल उपाध्यक्ष को दी जान से मारने की धमकी। नहीं थमा कार्यकारिणी विस्तार से उपजा विवाद। जान की दुहाई ले थाने पहुंचा विकास निगम। उपचुनाव में जीत के बाद पीसीसी चीफ सचिन पायलट का सैकड़ों कांग्रेसियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। 4 साल बाद पहली बार एक साथ दिखे गुटों में बटे कार्यकर्ता। राजनगर में चाकूबाजी के बाद भीड़े माहौल पर काबू करने के लिए खाकी को करनी पड़ी भारी मशक्कत। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। चप्पे चप्पे पर जाब्ता तैनात। और प्रधान सेवक की युवाओं को पकौड़े तलने के व्यापार की नसीहत देना पड़ रहा है भारी। विज्ञान महाविद्यालय में यूथ कांग्रेस ने पकौड़े तलकर मोदी सरकार पर किया जमकर कटाक्ष। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर की सबसे उसूलवादी पार्टी में बिगड़ते संस्कारों की। शहर की सबसे मजबूत माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों भारी अंतर्कलह देखा जा रहा है। भले ही पार्टी का मूल संगठन हो या फिर इससे जुड़े अन्य संगठन, वर्चस्व की लड़ाई ऐसी हो गई है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, इस बार हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की, जो पिछले दिनों अपने कार्यकर्ता को पड़े थप्पड़ का न्याय घर के गृह सेवक होते हुए भी नहीं दिला सका। लेकिन इस बार विवाद ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। जी हां, युवा मोर्चा के दिग्गज अपने ही कार्यकर्ता को धमकाते हुए नहीं चुक रहे और मां बहन तक के अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। संस्कारों और उसूलों की बात करने वाली इस पार्टी में ऐसा होगा शायद उस कार्यकर्ता ने कभी नहीं सोचा होगा, जो खुद को मिली धमकी के बाद अपनी जान बचाने के लिए दर दर गुहार लगाते हुए फिर रहा है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। थक हार कर यह युवक शहर के एक थाने पहुंचा और अपनी जान की रक्षा और रसूखदार पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत दर्ज करवाई। आइए आपको इस पूरे घटनाक्रम से रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं कि सत्ता के मद में चूर किस दिग्गज पदाधिकारी ने सारी हदें पार करते हुए किस कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दे डाली। यह है विकास निगम। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सरदार पटेल मंडल के उपाध्यक्ष, जिन्होंने हाल ही हुई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद संतुष्ट नहीं होने पर अपना इस्तीफा व्हाट्सएप के माध्यम से मोर्चा के एक ग्रुप में डाल दिया था। विकास के बाद 2 और पदाधिकारियों ने भी अपना इस्तीफा उसी ग्रुप में डाल दिया। रविवार दिन भर मान मनोबल का दौर चलता रहा और शाम तक 2 कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन विकास निगम ने नहीं लिया। तो युवा मोर्चा के महामंत्री मोहन गुर्जर ने विकास निगम को जान से मारने की धमकी दे डाली। दूरभाष पर बातचीत के दौरान मोहन गुर्जर विकास निगम को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए घर में घुसकर मारने की बात कहते रहे। इतना ही नहीं, महामंत्री जी ने यह भी कहा कि किसी भी मीडिया में जाकर रिकॉर्डिंग दे देना उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। सुनिए आखिर किस तरह की भाषा का उपयोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री करते हैं। मैंने बात की विकास भाई करूं क्या फेड कर, साहब आप गाली गलौज मत करो, ठीक है? अभी आप ये गाली गलौज दे देना, अखबार में गिरा के मारूंगा को। हाँ तो आ जाओ भाई साहब, करो फालतू में। मैं आपको पहले भी अभी भी कह रहा हूँ, पूछ के नहीं बात की क्या तुमने? पूछ के नहीं बात की क्या तुमसे भाई साहब? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पूछा नहीं क्या तुमसे? मगर आप आराम से बात करो। मैंने पूछा इतना आराम से? मैंने कितना पूछ के बात किया भाई साहब? मगर आप मेरी समझ गए नहीं, मगर आप मेरे गाली गलौज दे रहे हो। आप लोग गाली क्या? आप गाली मेरी आप गाली ना समझा क्या छोटा भैया? अरे सुन ले मेरी बात, छोटा भैया छोटा भैया करके तो मैंने रखा गया यार, छोटा भैया तो लोग छेड़ कर देते हैं, इतना समझा के? अगर यू दोगलाएं करनी चाहिए पहले कहना था भाई साहब, मेरे को नहीं आना है भाई साहब। मैंने कौन सी दोगलाबाजी की? मैंने कौन सी दोगलाबाजी हुई है? नहीं पर मैंने तुम्हारे बात कर 3 बार बात की है, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। आपने फोन किया, मैंने कहा साहब जिम्मेदारी तो लूंगा, ठीक है? और ये कोई दोगलाबाजी नहीं है। और भाई साहब आप ऐसे गाली नहीं दे सकते, आप ऐसे गाली नहीं दे सकते हो भाई साहब। ऐसे ही देता हूँ मैं? नहीं भाई साहब ये गलत है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, समझ लेंगे आप मुझे गलत फल गलत फल तो लेता है। नहीं नहीं भाई साहब देखो, हाँ ये फिर अभी रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग बोले नंबर आ गए हैं, अभी बार जो आना होगा आ जाएगा। हाँ तो आ जाएगा, वो परवाह करते हैं, जिसकी भी ताले लगे करेंगे अपन, ये तरीका ठीक नहीं है। अब ये दे देना अखबार में। तो सुना आपने, मन की नहीं होने पर बाजीमो के महामंत्री ने किस तरह अपने ही मंडल के उपाध्यक्ष के साथ अभद्र भाषा में बातचीत करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। शहर के कई युवाओं के आदर्श रहने वाले मोहन गुर्जर से इस तरह की अपेक्षा कभी भी विकास निगम ने नहीं की होगी। हालांकि उसके बाद इसकी शिकायत विकास निगम ने मंडल अध्यक्ष दीपक बोलिया से की, लेकिन श्री बोलिया ने भी निगम की शिकायत को अनसुना कर दिया।
सोमवार दोपहर में पार्टी जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट से भी विकास निगम ने एक पत्र के मार्फत शिकायत की और महामंत्री मोहन गुर्जर को पद मुक्त करने की अपील भी की। कल हमारी कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी जिससे मुझे असंतोष था, इसलिए मैंने ग्रुप के अंदर हमारा इस्तीफा दे दिया। उसके बाद रात में शहर जिला के महामंत्री मोहन जी गुर्जर का फोन आया और उन्होंने मुझे अभद्र भाषा में गाली दे के माँ बहन की गालियां दी और ये बोला तुझे घर आके मारूंगा और किसी भी मीडिया में जाके कंप्लेंट करनी कर लेना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को संगठन के पद से हटाया जाए जिनको पद का अपना इतना गुरूर है जो वो मीडिया से भी नहीं डरते हैं। मैंने पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष दीपक जी भाई साहब से बात करी मगर उनने मैं आज उनके सुबह घर भी गया तो भाई साहब का ये कहना है मुझे वहां से भगा दिया और ये कहना है कि तू गलत है और तेरे जैसे कार्यकर्ता संगठन को रोड पे लाते हैं और उनने मुझे कोई आश्वासन तो छोड़ मुझे धुतकार के वहां से भगा दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट सोमवार को अपने डूंगरपुर प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। शहर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पायलट के पहुंचने पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला, शहर जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हवाई अड्डे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर नजर आया। दरअसल उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और यही वजह है कि सचिन पायलट के उदयपुर पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की वसुंधरा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने साफ किया कि जनता ने अपना जनादेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सबके सामने रख दिया है। पायलट ने कहा कि आम जन सरकार के कामकाज से बेहद त्रस्त है और नौकरशाह के खराब रवैये के चलते भी जनता को काफी परेशान होना पड़ रहा है। इस दौरान सचिन पायलट हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की विजय से खासे उत्साहित नजर आए। इस मौके पर सचिन पायलट ने सोमवार से शुरू हुए बजट सत्र के ऊपर भी अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पेश किए बजट में सिर्फ हवाई बातें की हैं। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पूर्व बजट में किसानों के हित की कोई भी बात नहीं सोची है और अब सरकार उनके हित की बात कर रही है। पायलट ने कहा कि उपचुनाव में कैंपेन के बहाने पीएम मोदी ने बाड़मेर में रिफाइनरी का शिलान्यास किया लेकिन फिर भी उपचुनाव में भाजपा की जोरदार हार हुई। कांग्रेस पार्टी को जो ऐतिहासिक आशीर्वाद और बहुमत दिया है मैं समझता हूँ हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की ये विजय है, जनता की विजय है और चार साल के वसुंधरा जी के कुशासन पर लोगों ने अपना जनमानस आज बिल्कुल पब्लिक कर दिया है और ये इस सरकार के खिलाफ वोट था लेकिन ये कांग्रेस का और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की ऊर्जा आज देखने को मिली है उस सिद्धांत को और कांग्रेस का जो पॉलिसीज और कांग्रेस की सोच है उसका लोगों को आज पूर्ण आशीर्वाद मिला है। आप सब जानते हैं कि इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी, उनका लगभग पूरा मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक, पूरी ताकत केंद्र सरकार राज्य सरकार ने लगाई लेकिन बावजूद उसके हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमें बहुमत मिला, बढ़त मिली है और गाँव और शहर 36 कौम के लोग, नौजवान, युवा, किसान, मध्यम वर्ग, व्यवसाय करने वाले लोग, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट डाला है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत स्पष्ट संकेत गया कि 8 महीने के बाद जब चुनाव होंगे राजस्थान में तो प्रचंड बहुमत लेके कांग्रेस पार्टी यह सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने बहुत मेहनत कर हर क्षेत्र में हम लोगों को बढ़त दिलाई है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आप जो कह रहे हैं कि इस चुनाव की विजय को बहुत विनम्रता से हम लोगों ने स्वीकार किया है और अब दुगनी ताकत से और दुगनी शिद्दत से हम लोगों को पूरे क्षेत्र में जाना है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं के माध्यम से राजस्थान के 7 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है। ये एक शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस के उपचुनाव में विजय के बाद न सिर्फ राजस्थान में लेकिन पूरे देश में संकेत गया है कि कांग्रेस की वापसी और जबरदस्त वापसी होने वाली है राहुल जी के नेतृत्व में। मूलतः पिछले 70 साल में
कभी किसी उपचुनाव के लिए किसी प्रधानमंत्री ने कैंपेन नहीं किया, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि रिफाइनरी के बहाने दोबारा शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पीएम को यहाँ बुलाया, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए बाड़मेर में, और सरकारी कार्यक्रम में पौने घंटे कांग्रेस को कोस कर गए। तो ये कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के मध्यम यहाँ बीच में नहीं आए, वो क्षेत्रों में नहीं गए लेकिन प्रदेश में आए और ऐसे समय पर आए जबकि मतदान होने वाला था। ये तो स्टार प्रचारक में अमित शाह जी का नाम था, मोदी साहब का नाम था, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो वोट है ये बीजेपी के खिलाफ पड़ा है, बीजेपी बेनकाब हुई है और उसका खामियाजा वसुंधरा जी को और भाजपा को प्रदेश में उठाना पड़ेगा। अब केंद्र का बजट आया और कहा गया कि बड़ा किसानों को लुभाने का बजट है, अगर किसान के हितेशी भाजपा होती तो ये बजट चार साल पहले लेकर आते जेटली साहब। जब पहला बजट आया था उसमें तो 2,00,000 करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों के माफ किए गए, अब जब दबाव पड़ा, आत्महत्याएं हो रही हैं, राजस्थान में आप हार रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में किसान आंदोलन कर रहा है, अब जाके किसानों को लुभाने के लिए किसान का नाम लेके बजट बनाए, लेकिन आज घोषणा हुई है अब 10 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे तो कहाँ पैसा आएगा, कहाँ योजनाएं कारगर होंगी और क्रियान्वयन कैसे होगा, इस सब बात पर चुप है। और बीजेपी जैसे मैं कहा उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। देखिए नौकरशाह तो वही करेंगे जो नेता बोलेगा, जब सरकार बदलती है तो वही थानेदार है, वही पुलिस वाला है, वही डॉक्टर है, वही मास्टर है। ये तो सरकार का नेतृत्व क्या है और शीर्ष नेतृत्व क्या है। राजस्थान में विधायक सांसद मंत्री की कोई सुनता नहीं है, सारे निर्णय मुख्यमंत्री जी लेती हैं। और मैं कई बार कह चुका हूं कि इस हार के बाद मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता अपना जनादेश दे चुकी है, जो काम 6-8 महीने के बाद होगा उसको आज ही कर देना चाहिए। प्रदेश में हाल ही हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने हैट्रिक क्या मारी, हताश और कमजोर पड़े कार्यकर्ताओं ने भी मानो एक नवीन ऊर्जा का संचार हो गया है। सभी पूरे जोश खरोच के साथ प्रदेश भर के विभिन्न मंचों पर पूरे दमखम से उतर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही प्रधान सेवक पर भी तंज कसने में नहीं चुक रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला सोमवार को शहर के विज्ञान महाविद्यालय में, जहां यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव विवेक कटारा के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने पकौड़े बनाकर प्रधान सेवक के बयानों का पुरजोर विरोध किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व नरेंद्र मोदी ने युवाओं को पकौड़े बनाने की नसीहत देते हुए इसे भी एक तरह का रोजगार बताया था। मोदी के इस बयान की देश भर में युवाओं ने काफी निंदा की है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भी भारी आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके चलते विज्ञान महाविद्यालय की कैंटीन में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर पकौड़े तले और छात्र छात्राओं में वितरित किए। यूथ कांग्रेस के नेताओं की माने तो जहां एक ओर देश के सबसे अधिक युवाओं में होने का दम भरता है, वहीं दूसरी ओर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के इस तरह के बयानों से युवा अपने आप को ठगासा महसूस करने लगे हैं। इस बयान के बाद लाखों युवाओं के सपने चूर चूर होने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युवा IIT और IIM सहित देश के बड़े बड़े संस्थानों में जाकर पढ़ने के बाद ऊंचे पदों पर जाने की सोचते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधान सेवक के इस बयान से ऐसा लगता है कि मोदी किसी को भी आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस बार यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष JP निमावत, देवेंद्र सिंह शक्तावत, मनोज सोलंकी, श्रीकांत श्रीवास्तव, विक्रम खटीक सहित दर्जनों युवाओं ने शिरकत की। दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि देश के युवा पकौड़े बेचे हैं, वो भी एक रोजगार है, उससे हम सब युवा और छात्र बहुत आहत होते हैं। आज हमारे पेरेंट्स हैं, हमको हमारे गार्जियंस ने जिस तरह से हमको बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाया है, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, IIT IIM, और इतना पैसा और टाइम निकाल के हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर यही अगर हमको करना तो इतने पढ़ेगा कि फिर क्या मतलब था। आज से 2014 में जब से नरेंद्र मोदी आए, मित्रों बोल के कभी उन्होंने बोला मैं सब युवाओं को नौकरी दूंगा, करोड़ों नौकरी दूंगा, और आज बोल रहे पकौड़े बेचो, तो आज हमारे पे क्या बीतरी है वो आप समझ सकते हैं। इसलिए उसी को लेकर आज हमने यहाँ पे एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, और सब उसका विरोध भी करते हैं सबका। और मैं तो आज नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल करता हूँ कि आज हमारा छात्रों का क्या भविष्य है, आज हमारे युवाओं का क्या भविष्य है, आज जब पूरे विश्व में हम मुकाबला करने जा रहे हैं युवाओं के दम पे, और आज वो आपके पकौड़े बेच के पूरे विश्व के जो अग्रिम पंक्ति में जो देश है उनसे हम क्या मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए अब हमको रोजगार तैयार करने पड़ेंगे। कभी वो नरेंद्र मोदी हमसे योग कराते हैं, कभी बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी, हमारा झूठी बातों से पूरे देश को इन्होंने जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम सब उसका विरोध करते हैं। इसी सब कारण से हम सब एकत्रित हुए। छात्रों के बारे में बहुत गहराई से इस बात को जाना है कि किस किस परिस्थितियों में माँ बाप उनको पढ़ाते हैं और यहाँ डिग्री के लिए भेजते हैं। कोई कमरा लेके रहता है, कोई खाने की व्यवस्था करता है, कोई फीस जमा कराता है, कोई किताबों की व्यवस्था करता है, ट्यूशन करते हैं, और गाँव डांडियों से, और वो
माँ बाप ये आशा रखते हैं कि 3 साल के बाद मेरा बच्चा या 5 साल के बाद मेरा बच्चा निकलेगा तो कुछ बन के निकलेगा, और आज मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचने के लिए यहाँ 5 साल आने की जरूरत क्या थी, वो तो 10वीं के पास बाप भी कर सकता था, निकल के अनपढ़ आदमी भी कर सकता था इस काम को। आज मोदी जी ने जो छल किया है वो इस देश का युवा जो 70% जनता इस देश के अंदर, वो इनको सबक सिखाएगी और इनको धरातल पर लाएगी, इनका घमंड चूर कर देगी। आज ये हमारे बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री जो केवल बहुराष्ट्रों में ही घूमते रहते हैं, कभी हारते हैं जीतते हैं, उनका आगे का प्रोग्राम तय हो जाता है कि 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, वो तो देश में कब रुकेंगे हमें ये समझ में नहीं आ रहा। एक इनका समर्थक कहता है कि स्वदेशी लाओ, ये कहते हैं विदेश से धन लाओ। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी मुझे अगर पकौड़े की दुकान खोलने का आश्वासन या निर्देश देते हैं तो मैं इतना पढ़ के मैंने किया क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद मैंने तो पकौड़ों की दुकान खोली है, लेकिन जनता ऐसी रही तो वो वापस उनकी चाय की दुकान खोलेंगे। उधर को न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे UIT के बुलडोजर के। शादी को बरसों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहत में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नील कंठ पे नजर पड़ी। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में फुलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ मदरहुड। थैंक यू नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसीली, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑल इन नाउ 0294-2460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ। कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंटरेस्टेड एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉलेज 7340034134-8890669683। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग,
कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरूल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजर, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ। काफी भीड़ भी जमा हो गई थी, भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। पलों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर, अपनी शान। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के बड़े बड़े अतिक्रमणों पर प्रन्यास को भले ही ध्यान न हो, लेकिन सिर्फ कार्रवाई के नाम पर गरीब लोगों पर प्रन्यास का बुलडोजर चल ही जाता है, क्योंकि इन गरीबों के पास न तो पैसा है न ही कोई रसूख। ऐसा ही एक उदाहरण सोमवार को भी देखने को मिला, जब नगर विकास प्रन्यास के अतिक्रमण निरोधी दस्ते की टीम ने पुरोहितों की मादरी के मेन रोड पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान UIT के तहसीलदार गोर्धन सिंह जाला मौके पर पहुंचे और जिन लोगों की जगह से अतिक्रमण हटाया गया था उन लोगों को हिदायत दी कि अगर दोबारा अस्थायी अतिक्रमण किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात रहे ताकि किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। नगर विकास प्रन्यास की ओर से पूर्व में अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया था और स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन किसी की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाने से प्रन्यास ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। Thank you.
संभाग के राजसमंद जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। रविवार शाम भी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक युवक पर चाकू और उस्तरे से किए गए हमले के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई। माहौल इतना गर्मा गया कि काबू पाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों का भारी जाब्ता घटनास्थल पर पहुंच गया। आपको बता दें कि काकरोली के भील मगरी में रंजिश के चलते समुदाय विशेष के चार युवकों ने एक युवक पर चाकू घोंप कर हमला कर दिया। आरोप है कि प्रकाश भील नामक युवक ने अपनी बहन पर फबतिया कसते समय इन युवकों को देख लिया था और रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने प्रकाश पर ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। बाद में प्रत्यक्षदर्शियों ने गंभीर रूप से घायल युवक को राजसमंद के आरके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्रकाश की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद बड़ी तादाद में मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और हमलावरों के घर पहुंच गए, जहां आरोपियों के घर से भीड़ पर पथराव भी किया गया। विवाद बढ़ने से पहले ही काकरोली थाना प्रभारी लक्ष्मण राम विश्नोई, उप निरीक्षक मानसिंह चौहान मय जाप्ते पर मौके पर पहुंच गए। भीड़ से समझाइश के बाद पुलिस आरोपियों के घर पहुंची, लेकिन चारों आरोपी फरार मिले। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो साहिल सफा सहित चार युवकों ने प्रकाश भील पर हमला कर दिया। बहरहाल खाकी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एहतियात के तौर पर काकरोली क्षेत्र के तमाम धार्मिक स्थलों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी राजसमंद सहयोगी विनीता पालीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हुआ क्या था? देखिए, वास्तविक जो घटना थी वो जो वहाँ की स्थानीय जो भील समुदाय के लोग थे उनका जो आरोप है कि जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आए दिन वहाँ जो मीट की दुकान है उसके ऊपर शराब पीकर बैठे होते हैं और जो वहाँ से लड़कियां निकलती है स्कूल कॉलेज की और वहाँ आए दिन जो छेड़ते हैं हुटिंग करते हैं उसको लेकर के उनमें काफी नाराजगी थी, जिसको लेकर कल रात को एक 14 वर्ष की लड़की के साथ में कुछ अश्लील बात की, जिसको लेकर उसके भाई ने उससे विवाद किया तो घर में घुस के चार लड़कों ने उनके साथ में मारपीट की और चाकू और जो अपने उस्तरा होता है उससे उससे मारपीट की और चाकू लगाए गए उसके। ठीक है, अभी की क्या स्थिति है? उसके वैसे चारों जो आरोपी हैं उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और उसके बाद अभी सुबह जो जो स्थानीय लोग थे और जो परिवार के लोग थे उन लोगों ने ज्ञापन के रूप में एक काफी जो लोग इकट्ठे किए और फिर ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर पहुंचे और इसके ऊपर जो मीट की दुकान है जो अवैध रूप से चल रही है इसको बंद कराने की बात की गई। जी नहीं, अभी जो स्थिति कैसी बनी हुई है, जिस तरह से बताया जा रहा था कि माहौल गर्मा गया था कल शाम को, उसके बाद में अभी वर्तमान में स्थिति कैसी बनी हुई है? अभी स्थिति शांतिपूर्ण के जगह जगह जाप्ता लगा हुआ है लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। धन्यवाद। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में एकिनपुरा गांव में रविवार रात बदमाशों ने एक वृद्धा को निशाना बनाते हुए घर में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के वक्त वृद्धा उदीबाई घर में अकेली थी, तभी घर के पीछे की खिड़की से नीचे की दीवार को तोड़कर अंदर घुसे दो बदमाशों ने वृद्धा के कान काट कर झुमके ले लिए। इस दौरान करीब 15 मिनट तक बदमाशों ने वृद्धा को पकड़कर रखा और घर में रखे अन्य चांदी के जेवरात और कपड़ों को भी लूट लिया। वृद्धा की चीखें सुनकर पड़ोसी और वृद्धा के परिवार के लोग तो पहुंच गए लेकिन तब तक बदमाश पीछे के रास्ते से फरार हो गए। लूट की सूचना पर सोमवार सुबह डिप्टी भगवत सिंह हिंगर सहित आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने वृद्धा से बात कर बदमाशों के हुलिये के आधार पर हिरणमगरी इलाके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। वहीं शहर से सटे गांव में मेन रोड पर हुई लूट से क्षेत्रवासियों में पुलिस की रात्रि गश्त पर कई सवाल खड़े किए। मेरे बच्चे ने है जो फोन करके कहा कि मम्मी है जो आवाज कर रही है, पापा दौड़ के आओ आप, तो मैं घर से आया दौड़ के तो बाहर से गुंडी लगा रखी थी और गुंडी खोल के अंदर देखा तो मेरी मम्मी है जो चिल्ला रही थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ के दो जने आए है जो पीछे से दीवार खोद के अंदर है जो मेरे है जो आग्ने और गुटिये और दो चांदी की चैन अंगूठे चांदी की और चांदी की चूड़िये वो सब ले गए और फिर बोले गए इनके पांव काटो, जितने में मैंने अल्लाह करा तो ये हम सब दौड़ के आ गए। मेरी मम्मी ने अल्लाह करा और मेरे बच्चे ने मेरे को फोन करा और मैं तुरंत दौड़ के आ गए, पड़ोसी सब टोटल दौड़ गए यहाँ पे।
उदयपुर संभाग में तेजी से बढ़ती संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वार्षिक बैठक रविवार को आयोजित की गई। शहर के सिंधी धर्मशाला में आयोजित इस बैठक में सोसाइटी से जुड़े दर्जनों सदस्यों ने शिरकत कर अपने अपने सुझाव रखे। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से कई सोसाइटियों में हुए घपले के बाद लोगों का विश्वास ही उनसे उठ गया था, लेकिन संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 8 वर्षों के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान लोगों में विश्वास के साथ भरोसा भी पैदा किया है, जिस वजह से एक सीढ़ी आगे बढ़ते हुए अब एक और प्रकल्प सर्व संकल्प म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड भी साथ में जुड़ गई है, जिसके तहत होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन आदि भी दिए जा सकेंगे। कार्यक्रम में सोसाइटी के अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता, पूर्व अध्यक्ष सुमति प्रसाद जैन, सीए विकास जैन, सचिव ललित जारोली, उपाध्यक्ष गायत्री मोड़ बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर सचिव ललित जारोली ने सोसाइटी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आगे की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन कोषाध्यक्ष प्रिया शर्मा ने किया। मैं संकल्प क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से जुड़ी हूँ पिछले 4 साल से, और यहाँ सालाना हर एक बार एक मीटिंग होती है और बहुत ही खास और बहुत ही बेस्ट होती है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वो सही तरीके से सही मायने में लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें बहुत हमें अच्छे से मालूम पड़ती है। और इस सोसाइटी में मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा अपना मनी इन्वेस्ट करें, ताकि आपके जो ये पैसे हैं वो दुगने हो और इन पैसे को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सके और आगे बढ़ा सके। देखो न्यूज में अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज के सामूहिक विवाह। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलराइज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रेम गोदरेजेस, पैसवुड, सेलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला, हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ, उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपए में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर, अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इम्प्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क, वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। फोन 0294-241-4256, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटर्स के सभी टू व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने टू व्हीलर वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट बीएन कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी पीना बीना ऑन बीना शंभु शिकारी। हेलो अफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी टेक्निकलिटी मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैब सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, जुरेल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शार्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एस, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज। शॉप नंबर 56 सत्यन स्ट्रीट अपोजिट पुलिस स्टेशन गोवर्धन ग्लास उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में। एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहाँ आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें, 900 वर्ग फुट पर मात्र 14200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें, 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22500 रुपए डाउन पेमेंट, 5000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देवारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेड़वास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864।
एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सेवा संस्थान की ओर से 16वां सामूहिक विवाह समारोह आगामी 7 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। शहर के दत्ताश्रय आश्रम के पास परशुराम जी की बाड़ी में मेवाड़, गिरवा, बारा, चुंडा सहित से जुड़े सैकड़ों समाजजन इस समारोह में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इस 16वें सामूहिक विवाह समारोह में 14 जोड़े परिणय सूत्र में बनेंगे। अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि वर वधु की शोभा यात्रा 7 फरवरी को सुबह 10 बजे विवाह स्थल से शुरू होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए फिर से विवाह स्थल पहुंचेगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में रामचंद्र चौधरी और लोकेश चौधरी बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों के लिए 25 समितियों का गठन किया गया है। इस दौरान समाज की विभूतियों का सम्मान भी किया जाएगा। चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने बताया कि समाज में बढ़ती शिक्षा और समाज सेवा के चलते सभी का सामूहिक विवाह में विशेष योगदान रहता है। इस सामूहिक विवाह में भी समाजजनों ने तन, मन और धन से सहयोग कर सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया है, जो अन्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। सामूहिक विवाह में संपूर्ण समाज के 5,000 से अधिक लोग भाग लेंगे। 7 फरवरी को सामूहिक शादी जो हमारी सविना तितड़ी में होने जा रही है, उसमें हमने करीबन 25 समितियां बनाई है और एक सामूहिक विवाह समिति बनाई है। उसमें सदस्य किशन चंद्र चौधरी है, संयोजक बंसीलाल जी एडवोकेट साहब है, सह संयोजक पहला जी चौधरी साहब हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हमारे अशोक जी बैठे हुए हैं, दयालाल जी है, हेमंत जी हैं, शहरी इकाई के जसवंत जी बैठे हुए हैं, उदयपुर वल्लभ नगर इकाई के अपने अशोक जी हैं, हुकुद इकाई के अध्यक्ष हमारे जय विनय जी हैं। समितियों में जो हमने काम दिया है, पंजीकरण थोड़ा व्यवस्था वो सब अंतिम रूप में है। टेंट का भी काम हमारा करीबन काफी हो चुका है और समिति जैसे प्रभारी और सप्रभारी हमने मीटिंग ले चुके हैं, वो अंतिम चरण में है काम। कितने जोड़े? 14 जोड़े। 14 जोड़े परिणय सूत्र बनेंगे। आज तक 400 जोड़े हो चुके हैं। हमारे यहाँ 7 फरवरी 2018 को सविना के अंदर एक बहुत बड़ा 16वां सामूहिक विवाह आयोजन होने जा रहा है। इस 16वें सामूहिक आयोजन के जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष है श्रीमान लोकेश चौधरी है, इस कार्यक्रम के संयोजक किशन जी चौधरी, संयोजक बंसीलाल जी चौधरी और संयोजक दयालाल जी चौधरी है। इस विवाह की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ पे इस बार 14 जोड़े इस विवाह में शामिल होने जा रहे हैं और ये सभी अलग अलग क्षेत्र के हैं। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो शहर इकाई सविना सेक्शन और तितड़ी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा समाज विभिन्न इकाई में विभक्त है, लेकिन एक हर बार अलग इकाई अपना ये दायित्व पूरा करती है। इसी तरह इस बार जो ये दायित्व पूरा कर रही है वो ये सब लोग बार मिलकर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो सामूहिक विवाह का जो अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था जो की है, लगभग इसका खर्चा 5 से 6 लाख के बीच में, वो श्रीमान हमारे अध्यक्ष जी लोकेश जी चौधरी ने पूरा किया है। साथ ही साथ करीबन हमारे इस विवाह के अंदर हर जोड़े को लगभग 24 से 25 उपहार दिए जा रहे हैं और वो 24 से उपहार पूरे घर को बसाने के लिए काफी है और उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे समाज के लोगों ने किया है। 15 विवाह के अंदर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग समाज के हर घर के अंदर जाते थे और पैसा लेके आते थे या जैसा भी करके उसको मैनेज करते थे, लेकिन इस बार सामाजिक चेतना का जो लेवल वो इतना बढ़ गया कि समाज के लोगों ने आगे लेके हमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और उसका परिणाम ये कि हम एक विशाल तरीके से एक हर्षोल्लास की तरह, एक आनंद की तरह इस सामूहिक विवाह को पूरा करने जा रहे हैं। कैंसर कोई भयावह रोग नहीं है, इससे जंग जीतना भी एक हौसले का काम है। यह बात सोमवार को वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में डीपीएस की प्राचार्य नीरू टंडन ने कही। वह जीबीएच मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर ग्रस्त बच्चों के बीच बोल रही थी। नीरू टंडन ने बताया कि उन्हें कैंसर का पता चलने पर वह अहमदाबाद, मुंबई सहित कई जगह उपचार कराकर आई थी। सभी जगह से उन्हें कैंसर का अंतिम चरण बताकर इलाज में मनाही कर दी थी। यहां डॉक्टर मनोज यू महाजन के नेतृत्व में करीब 1.5 साल तक उपचार चला और अब मेलिनोमा कैंसर से पूरी तरह से निजात मिल गई है। उन्होंने खुद बयां किया कि वे विश्व की 13वीं महिला हैं जिन्हें इस कैंसर से निजात मिली है। इसके अलावा इस तरह के कैंसर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर कोई भयावह नहीं है, लेकिन इससे हौसले के दम पर जंग जीती जा सकती है। ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ित 7 बच्चों की मौजूदगी में एक जागरूकता वार्ता रखी गई। इसमें नीरू टंडन ने कैंसर पीड़ितों के बीच हौसला अफजाई की। दौरान कैंसर ग्रस्त बच्चों को पारितोषिक भेंट कर अभिनंदन भी किया गया। जैसे हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, उसी प्रकार कैंसर भी एक बीमारी है जिससे हम
अगर पूरी मानसिक रूप से अगर हम लड़ना चाहें डॉक्टर्स के साथ मिलकर, तो इस बीमारी को भी निश्चित रूप से हराया जा सकता है। छोटे बच्चे जिन्होंने जिनको कैंसर हुआ है, जिनका उपचार हुआ है, उन बच्चों को भी आज जीवीएच मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से जहां यहां उपचार हुआ है उनको सम्मानित किया गया है। हमारे जो नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स की टीम दिन रात लग के कैंसर उपचार में दक्षिण राजस्थान में जो अपनी सेवाएं दे रही हैं उनके लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में जो ये मैसेज हम उदयपुर के शहरवासियों को, संभाग के लोगों को और बाकी बड़े स्तर पर देना चाहते हैं कि कैंसर के प्रति हमें डरने और हारने की भावना की जगह लड़ने और जीतने की भावना अगर लेके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी का भी उपचार होगा। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी इसके लक्षण हमें दिखाई दें इसके संबंधित, तो हमें डॉक्टर्स के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल न्यूनतम दरों पर ये चिकित्सा सुविधाएं जीबीएच मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट नगर में उपलब्ध कराई जा रही है। उदयपुर के पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा के जन्मदिन के मौके पर रविवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाकाल में पूजा अर्चना के बाद रघुवीर मीणा अपना जन्मदिन मनाने के लिए आशाधाम आश्रम पहुंचे, जहां पर फल वितरण करने के बाद अंबा माता स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में कार्यकर्ताओं की ओर से मरीजों के लिए मिठाई और फल वितरित कार्यक्रम में भी शिरकत की। दौरान रघुवीर मीणा ने अपने हाथ से मरीजों को मिठाई और फल वितरित करते हुए जल्द ही ठीक होने की कामना की। इस मौके पर रघुवीर मीणा के साथ पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। रघुवीर मीणा ने इस दौरान हॉस्पिटल में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और मरीजों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो चिकित्सकों से इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान में रखने की बात की। मीणा ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित कार्यक्रम को लेकर कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता का जन्मदिन इसी तरह से मनाते हैं और उन्हें भी गरीब और असहाय लोगों के बीच पहुंचकर जन्मदिन मनाने में मन को सुकून और शांति मिलती है। हर वर्ष सब कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन मनाते हैं। महाकाल शिव मंदिर में जाके हम अभिषेक करते हैं, आशाधाम जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ सैटेलाइट चांदपुर में हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आने के बाद कि जितने भी पेशेंट हैं वो खुश भी हैं और या थोड़ा सा ये खुश सुन के भी अच्छा लगा कि यहाँ डायलिसिस की मशीनें भी आ गई हैं। साल भर हो गया है अभी तक इंस्टॉल हुई नहीं है और इंतजार में है कि कब स्टाफ मिले और कब उसका इंस्टॉलेशन हो। और ये इंस्टॉल हो गई तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मदद मिलेगी यहाँ के आम लोगों को। हम सभी कामना करते हैं जल्दी जल्दी ये फैसिलिटी सबको। संदेश क्या देना चाहिए कार्यकर्ताओं को? देखो संदेश ये है कि जन्मदिन एक बहाना होता है और ये आज के दिन हम सब कल्याणकारी काम, अच्छे काम में लगे और सब अपने किसी किसी तरह से अपने लोगों के कल्याण के लिए जो भी काम हो सकता है वो हम सब करें और अच्छा संदेश लेते। शहर के सेक्टर 4 स्थित तुलसी निकेतन स्कूल का सालाना जलसा शनिवार शाम को धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल परिसर में आयोजित हुए इस समारोह में बच्चों के परिजनों के अलावा शहर के कई प्रबुद्ध जनों ने शिरकत की। स्कूल बच्चों के मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इस अवसर पर पारितोषिक वितरण समारोह भी रखा गया, जिसमें साल भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं तुलसी निकेतन स्कूल की सांस्कृतिक झलकियों के कुछ अंश। तुलसी निकेतन रेजिडेंशियल स्कूल जो उदयपुर का एक प्रमुख
इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसका वार्षिकोत्सव रिपल 2018 आयोजित हो रहा है। इसमें लगभग 200 कलाकार बच्चे भाग ले रहे हैं और लगभग 20 तरह के नृत्य और नाटिकाएं इसमें प्रस्तुत हो रही है। तुलसी निकेतन रेजिडेंशियल स्कूल की मुख्य विचारधारा संस्कारवान बच्चे यहाँ से पैदा हों और जीवन का निर्माण हम लोग उनका कर सकें, अच्छे संस्कार के साथ चरित्रवान बच्चे बने, यही हमारी शिक्षा रहती है। यहाँ पे जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ज्ञान के कार्यक्रम भी चलते हैं, योग और कराटे और इस तरह के एक्टिविटीज भी सारी यहाँ पर चलती है। और एक इस तरह का माहौल हम पैदा करना चाहते हैं कि किसान के घर में भी एक कलेक्टर पैदा हो और एक मजदूर के घर से भी एक SP निकले और एक साधारण व्यापारी गाँव का उसके वहाँ से भी उसका बच्चा भी एक अच्छा उद्योगपति बन सके। इस लक्ष्य को लेकर हम गांवों से बच्चों को यहाँ लाते हैं, निर्धन परिवार के बच्चों को हम छात्रवृत्तियाँ देते हैं, जिनके माता पिता नहीं उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उन बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं, उनको काफ़ी कम खर्च के ऊपर हम हॉस्टल में उनको प्रवेश देते हैं। इस तरह से सामाजिक सरोकार के सब काम तुलसी निकेतन समिति करती है। 40 वर्ष पूर्व इसका प्रारंभ हुआ और एक हॉस्टल जिसमें लगभग 150 बच्चे कॉलेज लेवल के यहाँ पर पढ़ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अब तक लगभग 3000 बालक यहाँ के कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स यहाँ से निकल चुके हैं और उनमें से कई एक IAS हैं, RAS हैं, उद्योगपति बने हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रह करके इस तुलसी निकेतन में पढ़ करके उन्होंने एक अच्छा जीवन निर्माण उनका किया है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में यह संस्था एक विशाल संस्था का रूप लेगी। लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट में शहर के मध्य में इसका भवन है और इसी संस्था में इसी प्रमिसेज में 3 कॉलेजेस और चलते हैं ताकि यहाँ उच्च शिक्षा का भी काम होता है और इस तरह से हमारे बच्चों के जीवन निर्माण के लिए यह संस्था एक उदयपुर की और राजस्थान की अग्रणी संस्था है। यहाँ पर जो हॉस्टल में विद्यार्थी आते हैं उनका कई बड़े बड़े लोगों की सिफारिश आती है कि तुलसी निकेतन में हमारे बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन दे दीजिए, इसलिए ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल है और यहाँ सदाचार और चरित्र की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से इसका बीजारोपण हुआ और आज हमें प्रसन्नता है कि 15-20 वर्ष पूर्व लगाया गया स्कूल का पौधा आज पल्लवित होकर के और समाज की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। धन्यवाद। विद्यार्थी कल्याण संस्थान की ओर से रविवार को भामाशाहों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के धूलकोट चौराहा स्थित रिद्धि सिद्धि वाटिका में आयोजित इस समारोह में शहर के दर्जनों प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। आपको बता दें कि संस्थान के कई सेवा प्रकल्प वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, 300 जरूरतमंदों को रोजाना प्रभु प्रसाद एवं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, राशन वितरण, कपड़ा वितरण, आत्मनिर्भर योजना आदि प्रमुख है। भामाशाह सम्मान समारोह के दौरान नगर निगम महापौर चंद्र सिंह, नगर विकास कन्यास चेयरमैन रविंद्र शिमाली, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति SS सारंगदेवत, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंह भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। सुहालका महासभा उदयपुर द्वारा आयोजित समाज की नवी क्रिकेट प्रतियोगिता सुहालका प्रीमियर लीग 2018 का समापन रविवार को फील्ड क्लब मैदान पर हुआ। अंतिम दिन हुए फाइनल में सुहालका स्टार 11 ने एक तरफा मुकाबले में सुहालका यंगस्टर 11 को 10 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया। रिकॉर्ड 6 विकेट लेने वाले फिरकी गेंदबाज दिनेश सुहालका मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं मोहित सुहालका को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। महामंत्री सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि अंतिम दिन समाज 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी मैच आयोजित किया गया, जिसमें सुहालका सचिन 11, सुहालका विराट 11 को 5 विकेट से पराजित किया। इस मैच में कुणाल सुहालका मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं 38 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर्स का मुकाबला भी रखा गया, जिसमें सुहालका रेड ने सुहालका ब्लू को 7 विकेट से पराजित किया। इस मैच में सुभाष सुहालका मैन ऑफ द मैच रहे। आपको बता दें कि क्रिकेट मैच के अलावा महिलाओं एवं बच्चों के लिए कई आकर्षक एवं मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें म्यूजिकल चेयर रेस, हाउजी आदि कार्यक्रमों में सभी ने उत्साह से भाग लिया और कई पारितोषिक जीते। समापन अवसर पर समाज के अध्यक्ष बाबूलाल सुहालका, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, जिला परिषद ACEO मुकेश कलाल, किशन सुहालका बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने शिरकत की। महासभा उदयपुर द्वारा आयोजित फील्ड क्लब के मैदान पर समाज की नवी क्रिकेट प्रतियोगिता सुहालका प्रीमियर लीग 2018 आज यहाँ सम्पन्न हुई। आज फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें स्टार 11 ने लगभग एक तरफा मैच में यंगस्टर 11 को 10 विकेटों के बड़े अंतराल से पराजित किया और खिताब अपने नाम किया। इस मैच के अतिरिक्त छोटे बच्चों का, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे, उनका भी मैच कराया गया,
उसके अतिरिक्त 38 वर्ष से उम्र सीनियर वर्ग में भी एक क्रिकेट मैच कराया गया। इन्हीं के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चियों के लिए म्यूजिकल चेयर रेस, हाउजी, खो खो आदि मनोरंजक एक्टिविटीज यहां पर समाज द्वारा कराई गई, जिसमें सैकड़ों समाजजनों ने यहां पर भाग लिया। और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री रघुवीर सिंह जी मीणा, पूर्व सांसद उदयपुर, और श्रीमान मुकेश जी कलाल ACEO जिला परिषद रहे। यहां पर समाज के सभी भामाशाहों ने जिन्होंने सहयोग दिया उन्हें सम्मानित भी किया गया, और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में जिन्होंने आज घोषणा की है उन्हें हमने साधुवाद प्रदान किया अतिथियों के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी समाजजनों का और युवा साथियों का, खिलाड़ियों का, जिन्होंने 7 दिन के इस महाकुंभ में हमारा साथ दिया और इसे बेहतरीन तरीके से संपादित कराने में हमारी मदद की। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से निकालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। बात नहीं मानने पर बाजीमा महामंत्री ने मंडल उपाध्यक्ष को दी जान से मारने की धमकी, नहीं थमा कार्यकारिणी विस्तार से उपजा विवाद, जान की दुहाई ले थाने पहुंचा विकास निगम। उपचुनाव में जीत के बाद PCC चीफ सचिन पायलट का सैकड़ों कांग्रेसियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत, 4 साल बाद पहली बार एक साथ दिखे गुटों में बटे कार्यकर्ता। राजनगर में चाकूबाजी के बाद भिड़े माहौल पर काबू करने के लिए खाकी को करनी पड़ी भारी मशक्कत, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, चप्पे चप्पे पर जाब्ता तैनात। और प्रधान सेवक की युवाओं को पकौड़े तलने के व्यापार की नसीहत देना पड़ रहा है भारी, विज्ञान महाविद्यालय में यूथ कांग्रेस ने पकौड़े तलकर मोदी सरकार पर किया जमकर कटाक्ष। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल ये दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।